हाँ तो उसका कहने का मतलब है कि पूरे फॉर्म में एक ही फॉन्ट चलना चाहिए, चाहे वो इसके ड्रॉप डाउन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब इनके अंदर का भी एक ही फॉन्ट होना चाहिए। सही है ठीक है, दूसरी जी। चीज वो बोल रहा है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर सिलेक्शन इज नॉट अवेलेबल, मतलब या तो यहाँ पे जो मतलब जो भी चीजें हैं, मतलब उसने जो नीचे एक दो मुझे स्क्रीनशॉट से समझ आया, टाइप ऑफ इवेंट, मतलब या तो उस यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन चाहिए कि किस तरह का कॉज है। अरे पहले ये ड्रॉप डाउन ही बनाया हुआ था, उसने कहा था कि दिस ड्रॉप डाउन शुड बी केस। क्योंकि अब उस वो बोल रहा है कि इवेंट टाइप कॉज होना चाहिए, हाँ और सेकंड वो बोल रहा है कि जो डोनेशन टाइप है उसमें भी ड्रॉप डाउन नहीं था, अभी आपने बनाया ना ये। अरे नहीं पहले का ये पता नहीं, मैं देखा नहीं ये लड़के लड़के को दिया हुआ था। हाँ तो आई थिंक ये ड्रॉप डाउन में बोल रहा होगा या व्हाट इज योर रिक्वेस्ट, तो ये तो नहीं होता ड्रॉप डाउन, कोई डजंट मेक सेंस ऑफ दिस ड्रॉप डाउन। हाँ ये तो है, लेकिन मेरा ख्याल उसने ऐसा बोला होगा। उसका कहने का मतलब है ड्रॉप डाउन में कुछ अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ ड्रॉप डाउन के कुछ वो होना चाहिए ना सिलेक्शन की, क्या सिलेक्ट करना है। अब ये थोड़ा होगा व्हाट अरे इज योर रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट बिल्कुल टू, बिल्कुल यू आर राइट, तो बट हमें वैल्यू तो बताए ना कि उसमें वैल्यू क्या देनी है हमने ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो मैं इससे ये पूछती हूँ कि ड्रॉप डाउन में व्हाट यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ यस सिलेक्शन यू नीडेड इन द ड्रॉप यस डाउन। यस इवेंट टाइप शुड रीड कॉज, उसमें आपने अंदर कॉज लिख दिया है, कॉज का सी कैपिटल होना चाहिए। ये अभी ठीक डाला है है। नहीं आपने या पहले ही था? नहीं ये मतलब पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन था, उसने हटवाया है तो इसलिए। आप फिर भी एक बार पूछ लेना ताकि यार इसको मतलब कंप्लीट करें। व्हाट टाइप ऑफ इवेंट, मतलब कॉज, मतलब पता नहीं क्या, ठीक है क्या बोल रहा है। क्योंकि उसने ये भी मतलब लिखा है व्हाट टाइप ऑफ इवेंट में क्या, उसमें भी मुझे लगता है ड्रॉप डाउन चाहिए। या अरे आई एम नीडिंग अ हेडलाइन अबव द ओपनिंग पैराग्राफ, यहाँ पर उसको एक हेडिंग चाहिए जो वो ही बताएगा, उसको अभी तक पता नहीं है खुद। तो आप तो इस फिर बार हेडलाइन के बारे में इतना कंफ्यूज मत हो, उसको खुद ही नहीं पता है, वो बार बार ये लिख रहा है स्टिल आई एम नीडिंग अ हेडलाइन अबव दी ओपनिंग पैराग्राफ, उसने हमें दिया नहीं है ये। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अभी फॉन्ट सेम कर दो पूरे फॉर्म के, और मैं उसको लिख रही हूँ बाकी चीजें। ठीक है, चलो ठीक हो गया, बढ़िया एकदम ठीक है, आप पहले बढ़िया। फॉन्ट सही कर दो। ओके थैंक यू। ओके चलो, थैंक यू, ओके बाय बाय। बाय बाय सर।